उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल को अपग्रेड कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष इस योजना का आधार बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूँ। युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट क्लैट उत्तीर्ण है परंतु किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। ऐसे शोधार्थी का जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन इंटर्न के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा, इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों के में इंटर्नशिप सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का शोध संबंधित दिशा में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों को चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी, इस पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं की शैक्षणिक विकास है उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने की दृष्टि से नवीन ITI खोले जाने के साथ साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनका पटल विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लासरूम पुस्तकालय ICT लैब निर्माण व रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय कराना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, समाज की सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारंभ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूँगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा के तहत पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाएगी। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक की दूरी दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर बढ़ाकर 75 किलोमीटर कराना प्रस्तावित है। वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत वर्तमान कैसा 8 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्च पर छात्राओं के लिए 9th, 10th, 11th, 12th तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हमारे केंद्र सरकार से अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुरूप ही RTE के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 की स्थान पर
एक से ट्वेल्थ तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करें। प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर दसवीं कक्षा में विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं आगामी वर्ष में भी इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 560 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रदेश में स्कूली विद्यालयों में अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक रूप विषय के रूप में दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक एवं मुख्यालय पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय कला वाणिज्य विज्ञान कृषि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष जागरूकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा क्लासरूम लैब शौचालय के निर्माण तथा जर्जर भवनों रिपेयर आदि के 200 करोड़ रुपये लागत के कार्य कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, में आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश में विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले गए तथा वर्ष 21-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसी कड़ी में अब शेष जिलों जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, बारा, जालौर में भी वेद विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। हमारे द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने प्रोत्साहन देने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए। हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत अब तक 229 युवाओं को 7 विभागों में नियुक्ति प्रदान की। भविष्य में पदक विजेता अपने खेल विशेष में युवाओं को भी प्रशिक्षित कर सके इसके लिए इन्हें खेल विभाग में ही वरिष्ठता अनुरूप नियुक्ति देना प्रस्तावित है। साथ ही बच्चों और युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पद सृजित किए जाएंगे। मेरे द्वारा बजट में घोषित ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन वर्ष 22-23 में किया गया। युवाओं द्वारा इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। युवाओं के उत्साह एवं इन खेलों के सफल आयोजन को देखते हुए ध्यान रखते हुए हमने शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन का निर्णय किया। इस प्रकार आगामी वर्ष संपूर्ण प्रदेश अर्थात शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन वृद्ध स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ से हो सके इस दृष्टि में प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 105 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही मेरे ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि MLA फंड CSR से दिए जाने पर 25 लाख रुपए की मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं इस मैचिंग ग्रांट सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस खेल स्टेडियम खेल अकेडमी स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं को देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेना है
तथा भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी वर्ष 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों सहित संपूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही